दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर जब से एलविश यादव ने एंट्री ली है तभी से फैंस अपनी जो नजर है वो स्क्रीन से हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फैंस को इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट आज तक किसी भी कंटेस्टेंट ने किसी भी सीजन के दौरान नहीं दिया। और यही वजह है कि फैंस ने बिग बॉस की जो टीआरपी है उसको सातवें आसमान तक पहुंचा दी है। हाल ही में दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में एलविश यादव ने घर के अंदर चोरी करने का प्लान बनाया है। जी हां दोस्तों, उनको एंटर हुए पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने घर के अंदर डाका डालने का एक मास्टर प्लान बनाया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें प्लान में जो शामिल है पूजा भट्ट भी है। दरअसल अविनाश ने पूजा भट्ट को बताया कि मैडम मैं अभी थोड़ी देर पहले अविनाश के पास में गया था तो मैंने उससे कॉफ़ी मांगी। इसने आशिका को तो अपनी कॉफ़ी में से थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी, लेकिन मैं लेने गया तो मेरे को बोलता है कि आपको कॉफ़ी नहीं दे सकते क्योंकि हमने मेहनत से कॉफ़ी कमाई है। फिर मैं भी उसको बोल के आया कि अब तो मैं बेटा कॉफ़ी पीऊँगा और तेरी ही कॉफ़ी से चुरा कर पीऊँगा, अब तो मुझे रोक के दिखाना। और उसने बोल भी दिया कि ठीक है देखते हैं। और इसके बाद एलविश यादव ने पूजा मैम से पूछा कि आप एक चीज़ बताइए, आपको पता है क्या उसने कॉफ़ी कहाँ रखी है? इस पर दोस्तों पूजा भट्ट ने कहा कि मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन वहीं कहीं किचन एरिया में आसपास कहीं वहीं पड़ी होगी कोई रेक वेक में। इस पर एलविश यादव ने कहा कि वो तो मैं पहले संभाल के आ गया मैडम, आपको कोई पर्सनली पता हो कि कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए कि वहाँ रखी है तो मैं वहाँ से ले आऊँगा। इस पर पूजा भट्ट ने कहा कि एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन उनकी जो अपने नंबरिंग के हिसाब से जो ड्रॉर वगैरह बांट रखी है उन्हीं में देखो, उन्हीं में कहीं हो सकती है। और ये सुनकर एलविश यादव काफ़ी खुश नजर आए। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर एलविश यादव ने पूजा भट्ट के साथ मिलकर चोरी का प्लान बना लिया है, और कहीं ना कहीं पूजा भट्ट भी इसमें उनका जमकर साथ दे रही है। फिलहाल आपको एलविश का ये अंदाज कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप भी एलविश के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।